देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूँ साक्षी पांडे। तो खोलते हैं एंटरटेनमेंट का पिटारा और आपको दिखाते हैं कि बॉलीवुड में क्या हलचल चल रही है, कौन सा सितारा मचा रहा है धूम और किस गलियारे में हो रही है कॉन्ट्रोवर्सी। शुरुआत करते हैं जीतू भैया से। अभी तक तो आप सब जीतू भैया को जान ही गए होंगे। ये वही सीरीज है जिसने पिछले सीजन यूट्यूब पर खूब धमाल मचाया था। जी हाँ, यहाँ बात कोटा फैक्ट्री की हो रही है। इस सीरीज का फर्स्ट सीजन इतना हिट रहा कि काफी समय से इस सीरीज के फैंस दूसरे सीजन के इंतजार में बैठे थे। लेकिन अब कोटा फैक्ट्री के फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इंतजार अब खत्म हुआ और एक बार फिर से वापसी हो गई है आपके अपने जीतू भैया की। आइए आपको दिखाते हैं इस बार के सीजन में क्या है खास। TVF की कोटा फैक्ट्री का पहला सीजन साल 2019 में YouTube पर रिलीज किया गया था, लेकिन अब इसका दूसरा सीजन 24 सितंबर को Netflix पर रिलीज होने जा रहा है। इस शो को दर्शकों का अपार प्यार मिला था, जिससे जितेंद्र कुमार ने रातों रात फेम हासिल कर लिया था। वहीं अब सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस इसे लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। कोटा फैक्ट्री के फैंस ये जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर दूसरे सीजन में मेकर्स द्वारा क्या स्टोरी पेश की जाएगी। बता दें कि इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि छात्रों को पता चलता है कि उनके फेवरेट फिजिक्स टीचर जीतू भैया ने ट्यूशन सेंटर छोड़ दिया है। अपने एक बयान में निर्देशक राघव सुब्बू ने कहा था कि एक निर्देशक के रूप में मैं ऐसी कहानियां बनाने की कोशिश करता हूं जो दर्शकों को प्रेरित और रोमांचित करे। आपको बता दें, कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 कोटा में छात्रों की यात्रा और संघर्षों को बयां करता है। इस सीरीज में आपको जितेंद्र कुमार, मयूर मौर्य, रंजन राज, आलम खान, एहसास चन्ना, रिवती पिलाई और उर्वी सिंह प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। कोटा फैक्ट्री भारत की पहली ब्लैक एंड व्हाइट वेब सीरीज है जो कोटा के इर्द गिर्द घूमती है। तो इतने समय से इस सीरीज का सबको इंतजार था, वो इंतजार 24 सितंबर को खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की, जो शुक्रवार को कौन बनेगा करोड़पति 13 में शानदार शुक्रवार एपिसोड में हॉट सीट पर नजर आए। नीरज चोपड़ा की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग इनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो नीरज के फैंस जितने भी हैं, उन्हें KBC के लेटेस्ट एपिसोड में नीरज के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे, उन्हें काफी कुछ इस एपिसोड में जानने को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं नीरज ने KBC के शानदार शुक्रवार एपिसोड में क्या कुछ शेयर किया। नीरज ने बताया कि स्टेडियम में बहुत सारे खेल थे, लेकिन मैंने अपने सीनियर्स को भाला फेंकते देखा और मुझे इसे बहुत दूर जाकर मैदान में फंसते हुए देखना अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ। मैंने इसे आजमाया और इसका भरपूर आनंद लिया। उन्होंने कहा कि मेरे सीनियर जय, उन्हें लगा कि मेरा थ्रो अच्छा है और उन्होंने मुझे अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और मुझे इसके बारे में क्या पसंद आया, लेकिन मुझे लगा कि यह एक ऐसा खेल है जिसे मैं अपनाना चाहता। साथ ही नीरज ने यह भी बताया कि जब मैंने इस खेल को अपनाया तो मैंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैंने बस अपनी सारी ऊर्जा खेल में लगाई और कड़ी मेहनत से खेल खेला। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने परिवार और वरिष्ठों से बहुत समर्थन और मार्गदर्शन मिला और आज मैंने मेरे देश के लिए गोल्ड जीता। तो बहुत सारे लोग नीरज चोपड़ा से इंस्पायर हैं और जब से वो गोल्ड लेकर लौटे हैं, सारे देशवासी उन पर खूब प्यार बरसा रहे हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड के नवाब की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान की। हाल ही में सैफ अली खान द कपिल शर्मा शो में नजर आए और उन्होंने शो पर खुलासा किया कि ऐसा कौन सा कठिन काम है जो वो नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
द कपिल शर्मा शो में शनिवार को बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, यामी गौतम और जैकलिन फर्नांडिस नजर आए। तीनों अपनी नई फिल्म भूत पुलिस का प्रचार करने वहां पहुंचे थे। आपको बता दें, जिसमें यामी और जैकलिन एक प्राचीन भूत से पीड़ित बहनों की भूमिका निभाती हैं, जबकि सैफ अली खान और अर्जुन कपूर भूत पुलिस बने हुए हैं। एक क्वेश्चन आंसर राउंड के दौरान अर्चना पूरन सिंह ने सैफ अली खान और मेजबान कपिल शर्मा से उनकी पसंदीदा लोरी के बारे में पूछा। साथ ही ये भी बताने को कहा कि वे अपने बच्चों को कौन सी लोरी गाकर सुनाते हैं, जिस पर सैफ का जवाब आया कि सभी गायन एलेक्सा द्वारा गाया जाता है, और कपिल ने जवाब दिया कि वह अपनी बेटी के लिए आकर्षक धुन बेबी शार्क बजाते हैं। एक छोटा बच्चा शब्दों को नहीं समझ सकता है, इसलिए वे कुछ भी सुन सकते हैं। ये बात कपिल ने बोली। कपिल ने साथ ही बताया, मेरी बेटी 1.5 साल की है, उसके साथ मैं बेबी शार्क डूडू खेलता हूँ। लोरी के बारे में बात करते हुए सैफ ने अपनी बेटी सारा अली खान के साथ एक घटना को याद किया जब वो बच्ची थी। उन्होंने बताया कि मैं समर टाइम नामक एक अंग्रेजी लोरी गा रहा था, तब सारा वास्तव में छोटी थी और उसने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, अब्बा कृपया मत गाओ। तब से मैंने दोबारा नहीं गाया। तो ये मजेदार किस्सा सैफ अली खान ने द कपिल शर्मा शो पर साझा किया। साथ ही आपको बता दें कि उनकी नई फिल्म भूत पुलिस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जा चुकी है। अब बात कर लेते हैं लुक्स की। एक्ट्रेस चारू असोपा इन दोनों अपनी प्रेगनेंसी फेस को खुलकर एंजॉय कर रही हैं। चारू अपने हस्बैंड राजीव सेन के साथ अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं और ये अपनी मैटरनिटी फेस को खूब एंजॉय कर रही हैं। साथ ही अपनी नई पिक्चर्स आए दिन इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हैं और इनके फॉलोअर्स भी इन्हें खूब प्यार दे रहे हैं। हाल ही में चारू ने अपने मैटरनिटी की कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर की जो काफ़ी वायरल हुई। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो और देखते हैं चारू का गॉर्जियस लुक। चारू ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मैटरनिटी शूट के दो वीडियो शेयर किए हैं। एक वीडियो में चारू लॉफ शोल्डर मरमेड स्टाइल गाउन में गॉर्जियस डीवा लग रही है। गाउन के नीचे की तरफ चारू की ड्रेस में लगी फ्रिल उनके आउटफिट में चार्म ऐड कर रही है। वीडियो में चारू फोटोज के लिए पोज देती हुई नजर आ रही है। चारू अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती हुई देखी जा सकती है। इस ड्रेस के साथ बालों को चारू ने हाफ टाई किया है। चारू के चेहरे से प्रेगनेंसी टाइम का ग्लो और खुशी साफ जाहिर हो रही है। चारू अपने दूसरे वीडियो में 3 अलग लुक्स में नजर आ रही हैं। एक लुक में चारू ब्लैक मरमेड स्टाइल गाउन में पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं। इस ड्रेस के साथ चारू ने अपने बालों को ओपन ही रखा है। दूसरे लुक में चारू ब्लू कलर की खूबसूरत ड्रेस में नजर आ रही हैं। थर्ड लुक के लिए चारू ने न्यूट कलर के गाउन को चुना है। अब बात करते हैं सबकी पसंदीदा बेबो की, यानी करीना कपूर की। आज 21 सितंबर यानी करीना कपूर खान का बर्थडे है। हम सबकी तरफ से करीना को जन्मदिन की ढेरों बधाई। करीना अपने बेहतरीन स्टाइल की वजह से काफी फेमस है। करीना अक्सर अपने फैशन स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। साथ ही करीना ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचाया हुआ है। करीना इस वक्त कहाँ हैं और अपना जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? आइए आपको दिखाते हैं। इन दिनों करीना मालदीव में अपने पति सैफ अली खान और बेटे तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के साथ छुट्टियां मना रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बेबो अपना 41वां जन्मदिन इस समुंदर लोकेशन पर सेलिब्रेट करेंगी। जी हां, एक्ट्रेस अपने फैंस और फॉलोअर्स को लगातार अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए अपने जन्मदिन के बारे में बताती रह रही हैं। एक्ट्रेस अपने फैंस और फॉलोअर्स को लगातार अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए अपनी जर्नी के बारे में बताती रह रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपने अलग अलग मूड वाली तस्वीरें शेयर करते हुए जहांगीर के फॉरएवर मूड की झलक भी दिखाई। तो आपने
देखा कि कैसे करीना अपना बर्थडे एंजॉय कर रही हैं और लगातार अपने फैंस को भी अपडेट दे रही हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापसी पन्नू की आने वाली अगली रिलीज की, जिसका नाम है रश्मि रॉकेट, जिसे इस दशहरे पर 15 अक्टूबर को Z5 पर रिलीज किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि इस फिल्म के पीछे की कहानी क्या है। यह एक युवा लड़की की कहानी है जो एक छोटे से गांव से संबंध रखती है, लेकिन ऊपर वाले ने उसे एक अविश्वसनीय रूप से बड़े उपहार से नवाजा है। आकर्ष खुराना द्वारा निर्देशित रश्मि रॉकेट नंदा पेरिसियामी की एक मूल कहानी पर आधारित है। पोस्टर में दर्शकों को एड्रेनालाइन पैक्ड कथा की एक झलक दी गई थी, जिसमें तापसी धैर्य और दृढ़ संकल्प से भरपूर नजर आ रही हैं। वहीं आइए आपको बताते हैं इस फिल्म के बारे में तापसी का क्या कहना है। तापसी पन्नू कहती हैं, ये फिल्म बहुत अलग तरह से खास है। मुझसे हमेशा तब संपर्क किया जाता है जब या तो स्क्रिप्ट या निर्देशक फिल्म बनाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस कहानी की एक लाइन चेन्नई में मेरी गोद में आ गिरी और फिर वहां से एक पूर्ण फिल्म बनने का एहसास हुआ और ऐसा पहले किसी अन्य फिल्म के साथ अनुभव नहीं किया है। पहले दिन से ही हर कोई कहानी के बारे में इतना निश्चित था कि किसी भी स्टेक होल्डर को हाथ मिलाने और इस फिल्म के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए राजी करना कभी भी कठिन काम नहीं था। इसलिए इस फिल्म का परिणाम मुझे मेरी अन्य फिल्मों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावित लगा, साथ ही मुझे इस पर बेहद गर्व है। तो जल्द ही तापसी पन्नू की ये अमेजिंग रिलीज आपको देखने को मिलेगी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीवी एक्ट्रेस रुबेना दलेक की। उनका टीवी सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की पूरे 5 सालों बाद खत्म हो गया है और इसी को लेकर रुबेना काफी भावुक हो गई, जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट किया। आइए आपको दिखाते हैं रुबेना ने फोटोज साझा करते हुए क्या कहा। रुबेना बिग बॉस 14 की विनर रह चुकी हैं और इस शो में उन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की। इसी के साथ आजकल वो सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियो खूब शेयर करती रहती हैं, जो उनके फैंस द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं। वहीं रुबेना दलेक इन दिनों सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में नजर आ रही थी, जो पूरे 5 सालों बाद खत्म हो गया है और इसी को लेकर वो काफी भावुक हो गई हैं, जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है। रुबेना दलेक ने सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की के खत्म होने पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के साथ उन्होंने शो के सभी कलाकारों के साथ अपनी फोटो भी शेयर की है। पोस्ट से जाहिर होता है कि रुबेना काफी इमोशनल हो गई है। उन्होंने लिखा है, इतने खूबसूरत अंत के लिए यह एक नई शुरुआत है। मेरे जीवन के अध्यायों में शक्ति और सौम्या हमेशा सबसे पोषित याद रहेगी। बता दें, रुबेना इन दिनों शक्ति अस्तित्व के एहसास की सीरियल में सौम्या के किरदार में नजर आ रही थी, जो अब खत्म हो गया है। वहीं अब वो जल्द ही हितेश तेजवानी और राजपाल यादव के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं। इसी के साथ हाल ही में उनके पति अभिनव के साथ एक म्यूजिक वीडियो तुमसे प्यार है भी रिलीज हुआ है, जो खूब पसंद किया जा रहा है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिनसे फैंस काफी नाराज हैं। दरअसल हाल ही में बिग बी एक पान मसाले के ऐड करते हुए नजर आए, जिसे देखकर उनके फैंस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बिग बी ने अपनी सफाई में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अमिताभ बच्चन की छवि और उनके ऑरा का जादू ऐसा रहा है कि बड़े से बड़ा कलाकार उनके आगे बौना लगता है। पूरा बॉलीवुड जगत उनकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन इस बार उनका एक ऐड करना उन्हें भारी पड़ गया है। उनके खुद के फैंस ही उनके खिलाफ हो गए और सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त करने लगे। काफी ट्रोल किए जाने के बाद अब महानायक ने खुद इस बारे में सफाई देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में फैंस से माफी मांगते हुए लिखा है, मान्यवर क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी भी व्यवसाय में यदि किसी का भला हो रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसके साथ क्यों जुट रहे हैं। हाँ, यदि व्यवसाय है तो उसमें हमें भी अपने व्यवसाय के बारे में सोचना पड़ता है।
अब आपको ये लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। खबरों की माने तो टीवी की मोस्ट पॉपुलर जोड़ी शिवांगी जोशी और मोहसिन खान को बिग बॉस 15 के लिए अप्रोच किया गया है। बिग बॉस 15 का जल्द ही आगाज होने वाला है और सोशल मीडिया पर शो के प्रोमो रिलीज किए जा चुके हैं। पूरी जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवांगी और मोहसिन खान टीवी के मोस्ट पॉपुलर चेहरे हैं। उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी है। उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स उन्हें शो में लेने के बेहद इच्छुक हैं। सूत्रों की माने तो मोहसिन शिवांगी को बिग बॉस 15 का हिस्सा बनाने के लिए मेकर्स ने उन्हें 4 करोड़ का ऑफर दिया है। दोनों तरफ से अभी बातचीत का सिलसिला जारी है। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि फिलहाल शिवांगी और मोहसिन को ये रिश्ता क्या कहलाता है का शूट कंप्लीट करना है। मोहसिन और शिवांगी का ये सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ट्रैक खत्म होने की खबरें भी आ रही हैं। दोनों कई सालों से इस शो का हिस्सा हैं। साल 2016 में उन्होंने इस शो को ज्वाइन किया था। खबरों के अनुसार मेकर्स ने उनके किरदारों के साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। ऐसे में मेकर्स अब नई कास्ट के साथ नई कहानी लेकर आना चाहते हैं। जब से मोहसिन शिवांगी का शो में ट्रैक खत्म होने की बात सामने आई है दोनों को कई सारे ऑफर्स आ रहे हैं। बिग बॉस 15 भी इन्हीं में से एक है। उनका बिग बॉस में आना फैंस के लिए एक बड़ी ट्रीट हो सकती है। अभिनेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी का डिजिटल रिलीज होने जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं क्या है पूरी खबर। विवेक ओबेरॉय ने कहा कि मैं हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं और यह एक सम्मान की बात है कि मुझे सिनेमा के माध्यम से दुनिया को उनकी कहानी बताने का मौका दिया गया। साथ ही विवेक ने ये भी कहा कि मोदी जी की यात्रा को उनके मामूली मूल से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ऐतिहासिक जीत और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके नामांकन के बारे में बताता है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रेरणादायक कहानी के रिलीज के साथ अब व्यापक पहुंच होगी। प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। उमंग कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विवेक आनंद ओबेरॉय मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म महत्वपूर्ण वास्तविक जीवन की घटनाओं के पेचीदा उपक्रमों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तन का अनुसरण करती है। डिजिटल रिलीज के बारे में बोलते हुए निर्देशक उमंग कपूर कहते हैं, यह फिल्म एक प्रधानमंत्री के जीवन को क्रॉनिकल और जश्न मनाने वाली पहली फिल्म है। मुझे बहुत खुशी है कि एमएक्स प्लेयर इस कहानी को वह दे रहा है जिसके वह हकदार हैं और हमारे देश में अधिक घरों तक पहुंचने का मौका है। विवेक आनंद ओबेरॉय के अलावा इस फिल्म में मनोज जोशी, बरखा बिष्ट, जरीन वहाब और बोमन ईरानी सहित एक प्रतिभाशाली स्टार कास्ट भी प्रमुख भूमिकाओं में है। विवेक आनंद ओबेरॉय के अलावा इस फिल्म में मनोज जोशी, बरखा बिष्ट, जरीना वहाब और बोमन ईरानी सहित एक प्रतिभाशाली स्टार कास्ट भी प्रमुख भूमिकाओं में है। रकुल प्रीत तो आपको याद ही होंगी, तो अब रकुल प्रीत आपको जल्द अपनी नई फिल्म डॉक्टर जी में नजर आएंगी। रकुल अपनी आने वाली फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रही है। डॉक्टर फातिमा बनने के लिए रकुल ने अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित इस फैमिली एंटरटेनर के लिए चिकित्सा शब्द वाली और कुछ महत्वपूर्ण सर्जिकल प्रक्रियाओं की बारीकियां भी सीखी हैं। डॉक्टर फातिमा बनने के लिए रकुल ने अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित इस फैमिली एंटरटेनर के लिए चिकित्सा शब्दावली और कुछ महत्वपूर्ण सर्जिकल प्रक्रियाओं की बारीकियां भी सीखी है। चिकित्सा जगत से जुड़ी हर चीज को स्क्रीन पर प्रामाणिक दिखाने के लिए निर्माताओं ने कलाकारों के साथ विशेष सत्र आयोजित करने की व्यवस्था की थी।
रकुल आयुष्मान और अभिनेत्री शेफाली शाह ने अपने पात्रों की तैयारी के लिए प्रशिक्षण लिया। रकुल ने कहा कि डॉक्टर जी की शूटिंग एक दिलचस्प अनुभव है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर की भूमिका निभा रही हूं, इसलिए व्यवहार और कार्यों को सटीक होना चाहिए। पर्दों पर असली भाव लाने के लिए चिकित्सा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को सीखना अनिवार्य था। रकुल ने कहा कि डॉक्टर फातिमा बनने का सफर एक अद्भुत प्रक्रिया थी, जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी। नो मेकअप लुक तो आप सबने सुना ही होगा, और आजकल तो नो मेकअप लुक का ही ट्रेंड है। लेकिन क्या हुआ जब दीपिका पादुकोण ने पोस्ट की अपनी नो मेकअप लुक की तस्वीर, आइए देखते हैं।